हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। गाइस, तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गाइडली के एसएससी एंड रेलवे के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, तो जल्दी से सब लोग आ जाइए और सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि गाइस आपने टाइटल में देखो, आज का एक स्मार्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, एनालॉगी, जो कि स्पेशल है, जिसको बोलते हैं हम IQ एनालॉगी के नाम से उसको जानते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सेशन आपका हर एग्जाम्स के लिए आपका अच्छा रहेगा, जिससे आपको चीजों की जानकारी मिलेगी और IQ बेस्ड एनालॉगी के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो सारा कुछ यहां पर देखा जाएगा। तो जल्दी से गाइस आप सब लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, जिससे और भी लोग यहां पर कनेक्टेड होते रहें और सेशन में और अच्छे से हम परफॉर्म कर पाए। गाइस, शुभम कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जल्दी से आ जाइए सारे लोग। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि अगर आप IBPS गाइड के ई स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, देन आपको गाइज स्पेशल 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका लाइव बैचेस हो, ठीक है, चाहे आपके वीडियो कोर्सेज हो या मूक टेस्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे देन आपको 50% का स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो। जिसका कोड का नाम क्या है? YOGE। तो इस कोड का यूज करिए और 50% का डिस्काउंट पाइए गाइज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, के एक बैच लॉन्च हुआ 19 अक्टूबर को, आपका बैच लॉन्च हुआ। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया, बैंकिंग फाउंडेशन बैच के नाम से गाइस, और इस चीज को भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें भी आपको YOGE कोड यूज करना है, जिससे आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। तो गाइस आप इन चीजों को अवेल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है, और देखते हैं आगे क्या सीन बन जाता है। नेक्स्ट जो मैं केस बता दूं आपको, एक टोल फ्री नंबर प्रेजेंट है आपके लिए, 24/7 सुविधा उपलब्ध है। इस नंबर पर कॉल करके स्टडी से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आप उसको ले सकते हैं। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी होती है, उसका आप सॉल्यूशन पा सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो गाइस इस नंबर को आप लिख लीजिए, जिससे आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएं गाइस, ठीक है। ओके, तो गाइस एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर लीजिए, जिससे और भी लोग यहां पर कनेक्टेड होते रहे गाइस। तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके दिखाते जाऊंगा और उनका आंसर देने की आप कोशिश करेंगे इस, ठीक है ना। चलिए, तो आपका देखना क्या है कि आपका ये एक टाइटल गलत हो गया, यहाँ पर IQ केस है आपका ना, IQ एनालॉगी। तो IQ एनालॉगी बेसिकली क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज के केस होते हैं, जनरल स्टडीज के केस होते हैं, कहीं पर कैपिटल पूछ लेते हैं, कहीं पर कुछ पूछ लेते हैं, वो सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा और उसका आपको आंसर देना गाइस। तो ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पेयर देख रहे हो, फायर का रिलेशन डेथ से है ना। तो उस केस में आप देखिए तो यहां पर और क्या आंसर बन सकता है, एक बार चेक करके बताइए गाइस। बिल्कुल वैसा ही पेयर आपका इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा प्रेजेंट हो सकता है, बताइए गाइस क्या आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ सकता है जल्दी से बताइए गाइस। और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में, रेलवे में, कई सारे एग्जाम में कंपटीशन के, जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन का जरूर पूछे जाते हैं। मैंने आपसे बताया था एनालॉगी बेसिकली तीन प्रकार की होती है, एक नंबर बेस्ड, एक अल्फाबेटिकल, देन आपका एक GK बेस्ड होती है। तो हम लोग दो पैटर्न कर चुके हैं, आज तीसरा पैटर्न है, IQ बेस्ड करने वाले हैं, GK बेस्ड एनालॉगी करने वाले हैं। तो आप सोचिए कि इसका जो रिलेशन होगा, इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो इसी रिलेशन को कंटेन कर रहा है। तो एक बार आप देख के बताइए क्या आंसर प्रेजेंट हो सकता है, क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से बताइए। ओके, हंगर स्टारवेशन, ओके सभी लोग बताएं गाइस। देखिए ठीक है गाइस, यहां पर आंसर क्या बनेगा, देखो यहां पर फायर आपका दे रखा है, फायर के लगने से क्या हो जाती है आपकी डेथ हो जाती है, फायर के लगने से क्या हो रहा है, डेथ हो जाती है, नहीं फायर आपका क्या बन गया, कॉज बन गया। तो उस कॉज का इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेथ हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहां पर बात करेंगे तो, अगर हंगर की बात करें तो उसका भूख लगती है तो वहां पर क्या बन जाता है, स्टारवेशन बन जाता है, भुखमरी आ जाती है आपकी। तो ये आपके पर्टिकुलर GK बेस्ड केस होते हैं कि इनको अपने को सोचना पड़ता है, थोड़ा सा अपने को IQ लगाना है और आराम से चीज आप परफेक्ट दे सकते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में प्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए इसका आंसर भी प्रेजेंट हो चुका है आपका, हंगर और स्टारवेशन के नाम से इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते गाइस हम लोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इस बार आपको देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर कैसा आपका, वो बताना है कि किस तरीके से रिलेटेड, फॉर्म द सेट है ना, फ्रॉम द सेट ऑफ पेयर्स गिवन बिलो फाइंड ऑड वन आउट। तो यहां से अपने को ऑड वन आउट छांटना है। ऑस्ट्रेलिया के सामने कैंगरू लिखा हुआ है, बांग्लादेश आपका टाइगर लिखा हुआ है, कनाडा के सामने आपका नॉर्थ अमेरिका वीवर लिखा हुआ है, और फिनलैंड में आपका ब्राउन बियर है, और इंडिया के अंदर पिकॉक लिखा हुआ है। तो बताइए इनमें से क्या आपका एक ऑड वन आउट बन सकता है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को फॉलो नहीं करता, बताइए क्या आंसर बन जाएगा इसका।
जल्दी से गाइस सब लोग शेयर करते रहिए जैसे सेशन में आपके अगले क्वेश्चन आपके प्रेजेंट उतरे प्रॉपरली और क्लास को अच्छा बना सके गाइस। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या प्रेजेंट होगा, ऑप्शन 3। ओके, और बाकी सब लोग बताइए क्यों लग रहा है सुबह में ऐसा आपको, रीजन बताइए। आपने 3 आंसर दिया तो क्यों, रीजन कुछ होगा इसका। देखिए गाइस इसका जो रीजन प्रेजेंट होता है, रीजन बेसिकली क्या है कि बाकी जितने भी दे रखे हैं वो आपके कंट्री के साथ साथ उनके नेशनल एनिमल दे रखे हैं। क्या नेशनल एनिमल, जानवर दे रखे हैं, बट इंडिया के सामने पिकॉक दे रखा है जो कि जानवर नहीं है, वो आपका बर्ड है, एक पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहां पर ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये सब आपके नेशनल एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंट्री, और इंडिया के सामने जो पिकॉक लिखा हुआ है वो चीज क्या है, वो नेशनल बर्ड है आपका। तो इस वजह से इसका आंसर क्या बनेगा, 5th इज द आंसर, इंडिया पिकॉक। समझ में आया दिवाकर जी, 3rd गलत हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो सारे के सारे जो दे रखे हैं आपके कनाडा के सामने नॉर्थ अमेरिका बीवर दे रखा है, फिनलैंड के सामने ब्राउन बियर है, ये सब आपके क्या नेशनल एनिमल्स हैं, जानवर हैं आपके, बट कि यहां पर क्या दे रखा आपका पिकॉक जो कि एक पक्षी है, बाकी सब जानवर है, ये आपका पक्षी है, स्पीसीज अलग हो रही है, इस वजह से आंसर क्या बनेगा इसका, इंडिया पिकॉक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो यहां पर लिख भी दिया मैंने कि पिकॉक जो है ना नेशनल बर्ड है, और बाकी सब में क्या दे रखा आपका नेशनल एनिमल्स दे रखे हैं आपके, इस वजह से आंसर क्या बनेगा इसका, 5th आंसर इसका निकलेगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं जहां पर थोड़ा सा भी अगर दिमाग में मिसमिस हुआ देन आपका आंसर तुरंत गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने को जीके को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, और किसी भी केस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर ऐसा कौन सा पेयर है जो आपका इनकरेक्ट दे रखा है, ऐसा कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट दे रखा है, यह आपको बताना है यहां पर। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका, चेक करें गाइस। ये आपने फोबिया पढ़े होंगे कई सारे, अलग अलग चीजें के डर होते हैं आपके, तो उनके केस में अपने को बताना कौन सा पेयर यहां पर इनकरेक्ट दे रखा है, बाकी सारे सही दे रखे हैं। गुड मॉर्निंग राजा कुमार, कैसे हैं आप, और एक बार गाइस सब लोग शेयर करें, दिवाकर जी, राजा कुमार, शुभम, सब लोग शेयर करिए जिससे और भी लोग कनेक्ट हो जाए। यहां पर बताइए क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सोचिए एक बार। वेरी गुड, और देखिए गाइस यहाँ पर बेसिकली ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इन चीजों की, ये तो जस्ट एक जनरल नॉलेज की बातें हैं, जानकारी होनी चाहिए आपको। तो मैं आपको आज पीडीएफ जो शाम को भेजूंगा तो उसके अंदर मैं आपको कई सारे पेयर्स आपके दे दूंगा, कैपिटल्स दे दूंगा, उसमें जानवरों की जो आवाज होती है, वॉइस होती है, उसको भेज दूंगा, यानी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो कई अलग अलग तरीके से अपने को जनरल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, और इससे बड़ा एक फायदा भी मिलेगा, एक रीजनिंग के अंदर एनालॉजी वो तो कर ही पाओगे, बट यहां से आपका जो देखे जीएस जनरल स्टडी होता है वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फॉर्मेट चेंज है, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बताइए कि कनाडा का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो डायरेक्टली आपका पूछ लेते हैं, उनको भी आप आंसर दे पाएंगे गाइस। ठीक है, तो यहां पर देखिए आंसर आना चालू हो गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 शुभम जी बोल रहे हैं, यानी एग्लोफोबिया, फोबिया ऑफ पेन, ओके, और राजा जी बोल रहे हैं आपके 4, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आंसर आपका यही है कि फियर ऑफ वाटर, तो पानी का जो डर है उसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हेमेटोफोबिया नहीं बोलते आपका, इस वजह से यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी के सारे केस आपके बिल्कुल क्या हो रहे हैं, परफेक्ट आ रहे हैं गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, जस्ट अगर अपने को जानकारी है तो जितने फोबिया होते हैं सारे फोबिया की लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो सारे मैं दे दूंगा, उनको पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, यही तो करना अपने को, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो ये पर्टिकुलर एक टॉपिक ऐसा, जैसे एक क्लासिफिकेशन हो गया, आईक्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, जनरल बेस्ड होते हैं आपके, और ये आपका एक एनालॉगी, ये दो आपके पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर जीके की रिक्वायरमेंट होती है, और जीके पढ़ना तो बहुत जरूरी, क्योंकि जीएस के आपका जो सेक्शन होता है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके जीके बेस्ड प्रेजेंट हो ही जाते हैं गाइस। तो इन चीजों को आप पढ़िए, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है राजा कुमार। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं, इसमें बस इतना सा रीजन है कि देखो आपका फोबिया ऑफ वाटर यानी फियर ऑफ वाटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया यहां पर तो क्या दे रखा है, हेमेटोफोबिया दे रखा है, ये आंसर गलत हो जाएगा।
क्लियर है। तो इनकी गाइस मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, देन उनको पढ़ लीजिए और कहीं कोई समस्या नहीं, आराम से चीजों को आप हैंडल कर पाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन प्रेजेंट हो गया और आंसर देख लेते हैं इसका क्या। देखिए हेमेटोफोबिया फियर ऑफ वाटर, ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर और हेमेटोफोबिया क्या होता है, डिसीज का डर होता है आपका, बीमारियों के डर को क्या बोलते हैं, हेमेटोफोबिया बोलते हैं गाइस। तो ये पर्टिकुलर एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, देन उसको आप पढ़िए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे चलें गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। हां तो आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, शेयर करते रहिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें गाइस हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, आपका करेक्ट वाला केस बताना अपने को, ये सब कैपिटल्स दे रखे हैं आपके कंट्री के, तो इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा कैपिटल आपका किस तरीके से आप अलग कर सकते हो। या तो क्या हो सकता है कि इनमें 5 ऑप्शन है, 4 की कैपिटल आपकी सही हो सकती है, 1 की गलत होगी, या फिर ये हो सकता है 4 की गलत हो सकती है, 1 की सही होगी। तो क्या आंसर बन सकता है बताइए, सोचिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपका वो हेमेटोफोबिया वो आपका लीवर से रिलेटेड बट है तो डिसीज, तो डिसीज के डर को क्या बोलते हैं आपका, हेमेटोफोबिया के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसका बताइए क्या हो सकता है, या तो 4 ऑप्शन गलत होंगे, वहां पर कैपिटल गलत दे रखी होगी, 1 सही दे रखी होगी, या फिर 4 सही दे रखे होंगे, 1 गलत दे रखा होगा, अपने को ऑड वन आउट छांटना है। तो यहां पर पूछा गया कि विच वन इज करेक्ट, यानी कौन सा कंट्री यहां पर ऐसा जिसकी जो कैपिटल सही दे रखी है। तो गाइज आपको देशों की राजधानी, मुद्राएं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इनकी प्रॉपर लिस्ट है, वो सारा केस मैं आज आपको भेज दूंगा शाम को, और उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिएगा गाइस, क्योंकि ये बेसिकली याद करने वाला ऑप्शन है आपका, तो इनको जितना याद कर लोगे उतना दिमाग, इनके लिए कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कि आप हाँ ऐसे ही करो, वो जस्ट अपने को दिमाग में सेट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो राजा जी आंसर 3 दे रहे हैं, 3 का मतलब आपका चिली वीजिंग, ओके। तो ये करेक्ट वाला पूछा गया यहां पर आपका, विच वन इज करेक्ट, ध्यान रखिए यहां पर करेक्ट रखा है, तो इनमें से 5 कंट्री हैं, इनमें से 1 कंट्री की कैपिटल आपकी सही दे रखी है और बाकी सारे गलत दे रखे, तो वो सही वाला है तो कौन सा सही है, ये आपको सोचना है। बताइए क्या आंसर बन जाएगा इसका। अच्छा लिस्ट है आपके पास, वेरी गुड वेरी गुड, तो आप तैयारी करते रहिए, मैं फिर भी ग्रुप में भेज दूंगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो लोग यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ सकते हैं और अपनी सॉल्यूशन पा सकते हैं गाइस। तो इस केस में अगर देखेंगे तो आंसर क्या रहे, ओके यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये चिली और बीजिंग, तो बीजिंग तो आपकी किसकी, चाइना की राजधानी होती है ना, तो यहां पर जो सही है वो कौन सा केस है आपका, कनाडा, जिसकी राजधानी क्या होती है आपके, ओटावा के नाम से गाइस। और बाकी के सारे केस क्या दे रखे हैं आपके, बिल्कुल गलत दे रखे हैं। तो इनकी मैंने लिस्ट आपको यहां पर प्रॉपर दी है, देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेसिकली क्या होती है, कैनबरा होती है, यहां पर क्या दे रखा है, बियाना दे रखा है, ठीक है गलत हो गया। नेक्स्ट कनाडा ओटावा ये आपका सही था, चिली की राजधानी होती है सेंटियागो, है ना, चिली की राजधानी क्या होती है, सेंटियागो होता है, जबकि यहां पर बीजिंग दे रखा है, और फिर आप जानते हो कि बीजिंग किसकी राजधानी है, चाइना की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की राजधानी है ज़ैग्रेब। तो ये पर्टिकुलर आपकी लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिन लोगों के पास में लिस्ट नहीं है उन सब चीजों को पढ़ने के लिए मैं आपको मैटर आपको दे दूंगा और प्रॉपर तरीके से आप यहां पर पढ़ते रहिए। हाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो आपका कैनबरा, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो एक और इजिप्ट, तो इजिप्ट के गीजा दे रखा है, जबकि यहां पर देखो इजिप्ट का कायरो, ये आपकी पर्टिकुलर मैंने सही इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। यहां देखो अब एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, कि एक तो क्या कैसे आपको ये भी पता चल गया कि सही कौन सा है, और इस वाले ऑप्शन से बाकी जो गलत थे ना उनकी भी सही राजधानी आपको पता चल गई है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा गाइज, और गाइज अगर समझ में आ गया सेशन अच्छे लग रहे हैं तो गाइज आपको शेयर भी करिए और सेशन को लाइक भी करें गाइज, ठीक है वेरी गुड। सचिन पुंदीर जी आपका आंसर ठीक है, सेकंड लाइन से आपका कनाडा ओटावा बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है आपका। तो कैपिटल्स करेंसीज ये कंट्रीज की आपने को पता होना चाहिए, कई बार तो क्वेश्चन आपका एरिया से भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का एरिया कितना होता है, इंडिया का एरिया कितना, तो अप्रोक्सीमेट ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और गाइज ये जो चैप्टर मैंने बनाया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ IQ बेस्ड है, जनरल नॉलेज बेस्ड है, जनरल स्टडीज है, साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं आपके, कई किसी भी केस में आपके क्वेश्चन यहाँ से प्रेजेंट हो पाएंगे गाइज, ठीक है। तो
एक बार बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ट्रिकफुल चीजें बताई जाए, जस्ट आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी और आराम से चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बताइए यहां पर आंसर क्या प्रेजेंट होने वाला है। देखिए जायंट का दे रखा आपका ड्रॉफ और जीनियस का मतलब यहां से क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके कई बार आईक्यू बेस्ड प्रेजेंट हो जाते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हो रहा लाइव क्लास का। ओके, तो सचिन जी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अटैच्ड हैं कि नहीं है? तो मेरा जो टेलीग्राम का जो लिंक है रीजनिंग एंड कंप्यूटर बाय योगेश सर, उस पर आप अटैच हो जाइए और वहां पर मैं सारे नोटिफिकेशंस के लिंक भेजता रहता हूं। ठीक है, चलिए। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो जायंट मतलब देखो क्या हो रहा है, विशाल का है, मतलब एक बड़े साइज के केस में बात चल रही है। और ड्रॉफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बौना, जो जिसकी लंबाई कम होती है उस चीज को बोल देते हैं। तो ये जो जीनियस दे रखा है वो प्रतिभाशाली दे रखा है, तो इसका यहां पर क्या इंपैक्ट होना चाहिए, क्या आपका आंसर आना चाहिए? तो जाहिर सी बात है ये होशियार बंदा है, तो आपका एक पागल बंदा होना चाहिए, उल्टा ही तो करना अपने को। तो उल्टे के सेंस में यहां पर बेवकूफ, दैट मींस इडियट, इसका आंसर बन जाएगा। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, मैं लिंक देखो सचिन जी मैंने बोल दिया, रीजनिंग एंड कंप्यूटर बाय योगेश सर, इस चीज को सर्च करिए और आंसर आपको प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, रीजनिंग एंड कंप्यूटर बाय योगेश सर, इसको सर्च करें और वहां पर लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां पर सारे लिंक मैं भेजता रहता हूं, डेली भेजता हूं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि नहीं? ओके, बेवकूफ आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश में हिंदी में दोनों मिलेगा, एक्चुअली अलग अलग शब्द दे रखे थे, उनके मैंने हिंदी भी कई जगह पर लिख दिए। जो नॉर्मल इंग्लिश के शब्द उनकी हिंदी नहीं बनाई है, बाकी सब नॉर्मल जो थोड़े से टिपिकल से लगते हैं उनकी मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट यहां पर कर रखा है। ठीक है, वेरी गुड, बेवकूफ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसका क्या बनेगा, न्यूज़पेपर और प्रेस का जो रिलेशन है वैसे ही क्लॉथ का और किससे होना चाहिए, टेलर, टेक्सटाइल, फाइबर, मिल, क्या हो सकता है? और इसका रीजन जो होता है ना, रीजन भी अपने को आना चाहिए कि किस तरीके से, क्या लॉजिक लगा के आपने वो पर्टिकुलर आंसर दिया हुआ है। तो सोचिए यहां पर क्या आंसर बन जाएगा, न्यूज़पेपर का जो रिलेशन प्रेस से होता है वही आप देखेंगे, तो आपका क्लॉथ का रिलेशन किससे होना चाहिए, कपड़े का रिलेशन किससे होना चाहिए, बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। ओके, प्रॉपरली अपने अपने आंसर देते रहिए। राजा कुमार बोल रहे हैं मिल। ओके, देखिए 11 बजे वाली क्लास, आई थिंक 11 बजे वाली क्लास अभी हुई तो थी जीएस की, अभिजीत सर लेते हैं ना आपकी क्लास, है ना, तो उनकी क्लास शायद अभी हुई थी आई थिंक। ओके, तो देखिए इसका केस क्या कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर कहां पर बनते हैं आपके, प्रेस में बनते हैं, तो कपड़ा कहां पर बनता है आपका, मिल में बनता है। तो आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है गाइस आपका। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जिनसे आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने जीए अच्छे से पढ़ा हुआ है, जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ा हुआ है, जनरल स्टडीज अच्छे से पढ़ा हुआ है, जीके अच्छे से आता है, देन इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आसानी से कर सकते हैं। और गाइज जीके तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीके एक ऐसा एक टॉपिक है जिसको हमें मतलब लाइफ टाइम तक पढ़ते ही रहना है। चीजें अगर अपने अपडेट करनी है देन अपने को ये चीजें पर्टिकुलरली पढ़ते रहना है, रेगुलरिटी से अपने को पढ़ते रहना है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम है इसी वजह से पढ़ना है, नहीं, एग्जाम हो या ना हो अपने को जीके तो अपना रेगुलर अपडेट करना ही करना है। ठीक है ना गाइस, तो ये आपका छठवां क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन में आगे लेके चल रहा हूं, देखो आंसर आपका यहां पर डी प्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन ही आ गया, कैंडल वैक्स पेपर नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अच्छा मैम पढ़ाती हैं आपको, ओके ओके ओके, हाँ मे भी ऐसा हो सकता है ना, चलिए कोई नहीं। बट गाइज आप लोग सब लोग शेयर करते रहिए जिससे मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं रेगुलरली से गाइज, तो इस काम में आप हेल्प करें, सब लोग सपोर्ट करिए इस चीज़ को, सब लोग शेयर करें एक बार जल्दी से अपने जितना भी आपका मीडिया है, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप शेयर करें जिससे और भी लोग आपके साथ ही यहाँ पर जुड़ पाए गाइज। तो बताइए इसका आंसर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, बंबू, ओके, और कुछ बताइए, सब लोग बताइए क्या आंसर आएगा।
देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट गाइस यहाँ पर क्वेश्चन के गलत होने के प्रॉपरली चांसेस हैं। बी दे रहे हैं आपका ट्री, ओके, बाकी सब लोग बताइए। आया किसी का आंसर बी? अच्छा सचिन कुमार जी, भी देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखो ये वुड यानी कि जो लकड़ी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है पेड़ों से बनती है ना, बात आ गया अपना ये ट्री और बंबू, ये आपके नेचुरल चीजें होती हैं। देखो यहां पर जो कैंडल बनता है वो आपका वैक्स यानी मोम से बनता है, और मोम इज नॉट नेचुरल थिंग। मोम कहां से बनता है? जो आपके प्राकृतिक गैसेस वगैरह होती हैं, प्राकृतिक नेचुरल तेल ऑयल वगैरह होते हैं, तो वहां से रिफाइंड वगैरह करने के बाद जो अपने ऑब्जेक्ट बसते हैं उनके बाद से चीजें होती हैं, यानी कुछ चीजें को प्रोसेस्ड करने के बाद वो चीजें बनी है, तब आपका वैक्स निकला। वैसे ही क्या हुआ कि पेपर की अगर डायरेक्टली अगर बात करें तो नेचुरल कॉन्सेप्ट में तो आपका ये तीनों ही केस परफेक्ट है, ये तीनों केस सही है। बांस जो होती है लकड़ी, वहां से भी पेपर बनता है, बट वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है। लकड़ी तो आपके पेड़ की लकड़ी होती होती है, बट आपके कुछ प्रोसेस हो चुका है उसके बाद से चीजें बता रखी हैं। देन आंसर क्या बनता है इसका? पल्प। पल्प का मतलब होता है गूदा, जिसको बोलते हैं गूदा। जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल बोले तो आपने कहीं पेपर की मिल अगर देखे हो, न्यूज पेपर की जो मिल होती है आपकी, तो वहां पर रिसाइकिल होता रहता पेपर, तो वहां पर क्या होता है उस पेपर को पानी में डाल के कुछ प्रोसेस करते हैं जिससे वो गूदा बनाया जाता है। गूदे से अपना क्या बनता प्रॉपरली? तो आपका यहां पर केस क्या, वैक्स आपका पहले से प्रेजेंट नहीं है, ये वैक्स आपका कुछ प्रोसेसिंग के रिफाइन करने के बाद में चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं, जबकि ये सब क्या बन जाता है आपके नेचुरल केस में आपके निकल के आ पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इस वजह से इस पेपर का आंसर क्या बनेगा आपका? पल्प इज द आंसर, जैसे गूदा इसको बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, छिलका होता है आम का भी तो हो सकता है, और डी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ये परफेक्ट है, और ये क्वेश्चन आपके पता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और वहां पर आपके आंसर भी बिल्कुल परफेक्टली रीजन के साथ में मिले हुए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नेचुरल वाला जो कॉन्सेप्ट है, आफ्टर प्रोसेसिंग समथिंग इज जनरेटेड, देन उसके बाद में आपका वो पर्टिकुलर चीज बन रही है, वही केस आपका यहां पर वैक्स नेचुरल नहीं होता है। जबकि डी की बात कर पल्प, तो गूदे की देखो यहां पर पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, गूदा होता है आपका लकड़ी का गूदा हो सकता है, आपका पेपर का भी गूदा हो सकता है, तो वैक्स भी आपके अलग अलग सिनेरियोज में प्रेजेंट हो सकते हैं गाइस आपके, ठीक है। तो इस चक्कर में आंसर क्या दिया उन्होंने? पल्प के नाम से इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, उनके रिजल्ट भी जब प्रेजेंट हो जाते हैं तो देखो उसके आंसर शीट प्रेजेंट हो जाती है। उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि देखो यहां पर वुड, लकड़ी और बंबू, हर बंदा यही आंसर लगा के आएगा, बट आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनके अंदर जो आंसर प्रेजेंट है इसका, वो पल्प के नाम से प्रेजेंट हुआ, ठीक है ना गाइस। तो जल्दी से सब लोग एक बार आ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को। तो देखिए इसका आंसर प्रेजेंट हो गया डी, पल्प। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, बताइए इसका आंसर क्या हुआ? मार्केट का रिलेशन जो डिमांड से है, तो फार्मिंग का रिलेशन किससे होना चाहिए? फार्मिंग मतलब किसान की जो होती है आपकी, खेती जो होती है आपकी, वो किससे रिलेटेड है आपका, और वही रिलेशन अपने को प्रेजेंट करना है जो मार्केट और डिमांड के अंदर होता है, वही रिलेशन फार्मिंग का किससे होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, बताइए, सोचिए क्या आंसर आ सकता है इसका। अच्छा, रोंग क्वेश्चन देखा, 100 रुपए कमाने का तरीका है। चलो अब इसका तो कुछ भी नहीं कह सकते, बट लॉजिकली गलत नहीं है, लॉजिकली ठीक है, लॉजिक उसका परफेक्ट है, क्योंकि बस वो नेचुरल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात चल रही है ना। तो जो पल्प जो बनता है ना, गूदा जो बनता है, किसी प्रोसेसिंग के बाद में वो गूदा बनता है। ऐसे ही जो आपका देखे तो वहां पर जो पिछला वाला दे रखा था, वहां पर भी वैक्स जो था वो डायरेक्ट वैक्स प्रेजेंट नहीं है, वो किसी प्रोसेसिंग के थ्रू बनता है। अच्छा, फूड ग्रेन्स, अनाज, ओके। देखिए मार्केट अगर अपने को चलानी है तो अपने को क्या चाहिए? डिमांड चाहिए। यार सीधी बात है, अगर डिमांड अगर नहीं होगी तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन क्यों करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि कोई भी बिजनेस अगर करना है, कोई भी मार्केट अगर अपने को लॉन्च करनी है, बनानी है, तो हमें उस पर्टिकुलर चीज की क्या चाहिए? डिमांड चाहिए, तभी वो चीज आपकी चल सकती है। तो यहां पर अगर बात करें फार्मिंग, खेती कब हो सकती है? जब किसकी रिक्वायरमेंट है? अनाज की रिक्वायरमेंट है? नहीं, अनाज की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपके यहाँ पर। यहां पर आपको पानी की रिक्वायरमेंट आएगी प्रॉपर तरीके से। आपके ऐसे कोई भी फसल बता दीजिए जहां पर आप बिना पानी के खेती कर पाओ। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो चीजें बन रही हैं आपकी, ये मानसून के केस में आपका परफेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो उस तरीके से आप इसका लॉजिक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर जनरल अपने को कुछ कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है।
देखो हम लोग नॉर्मल से सोच के, और पता है जो आपने आंसर दिया हुआ अनाज यानी फूड ग्रेन्स, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये फूड ग्रेन, देखो यहां पर तो केस क्या है, डिमांड अगर होगी यहां पर किसी भी चीज की, अगर डिमांड होगी तो ही मार्केट आपका चल पाएगा। ऐसे यहां पर अगर मानसून होगा तो ही खेती प्रॉपर हो सकती है, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर अनाज अगर आप लिख दोगे, यहां पर सपोज दैट कि आपने अनाज लिख दिया, तो अनाज है तो खेती होती है क्या? डिमांड है तो मार्केट होती है, मतलब अनाज है तो खेती नहीं होती, मानसून है तो खेती होती है, कुछ इस तरीके से अपने को लॉजिक देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अवजी सर ने पढ़ाया होगा बिल्कुल, वहां पर मार्केट का अपना सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट है आपका, वो बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यहां पर बेसिकली आप ये समझिए कि डिमांड है तो मार्केट है, और ऐसे ही बोले अनाज है तो खेती है, ऐसा तो नहीं है। आप लॉजिकली चीजों को पढ़ के समझो, यहां पर अनाज है तो खेती होती है क्या? नहीं। मानसून है तो खेती है, सप्लाई है तो खेती होती है? नहीं नहीं। किसान है तो खेती होती है? नहीं। तो बड़ा सिंपल सा केस प्रेजेंट हो रहा है कि यहां पर डिमांड यानी किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट की बात आ रही है, तो खेती करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या प्रेजेंट है यहां पर? मानसून। और ये गाइज आपके प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन है वहां से मैं चीजें प्रेजेंट करके लाया हूं, और वहां पर छानबीन करके प्रॉपर तरीके से क्या आंसर बन सकता है, क्या गलत हो सकता है, उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, आंसर देखिए सी प्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट इज दिस, तो देखिए गुड बैड, तो रूफ का रिलेशन किससे होगा? ये तो इस सिंपल है, आराम से बता सकते हो, बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका तो सारे लोग आंसर दीजिए, ओके बताएं बताएं जल्दी से क्या आंसर आएगा। गुड का मतलब बैड है, तो रूफ का मतलब क्या होना चाहिए? ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो आराम से बता सकते हो, कोई कठिन भी नहीं है, है ना। तो गुड और बैड मतलब ये क्या हो गया, आपके अपोजिट हो गए। ऐसे ही अगर रूफ देखे तो छत पर होती है, तो नीचे क्या होता है उसका? फ्लोर होता है, बिल्कुल सही है ना। तो फ्लोर का आंसर बिल्कुल सही, वॉल्स तो नहीं होगा राजा कुमार, वॉल्स कैसे हो जाएगा? अच्छा चेंज, ओके ओके, आपने फ्लोर बोला सुधी सचिन जी, वॉल कैसे हो सकता है? गुड बैड, अच्छा का उल्टा होता है बुरा, तो छत का उल्टा क्या होगा? फ्लोर, तल, है ना। तो हिंदी में इसको तल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से चीज आप हैंडल कर सकते हो, आंसर आ गया अपना डी की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए, बटर का जो रिलेशन मिल्क से है, तो बुक का रिलेशन किससे होना चाहिए? बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? हाँ बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट के अकॉर्डिंग आपका फ्लोर आंसर बन जाएगा उसका। बताते रहिए क्या आंसर आएगा। और गाइज आज शाम को जो 8 बजे क्लास होने वाली है ना रेलवे वाली, तो उसके अंदर ऑर्डर एंड रैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो गाइज 8 बजे आप जरूर उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। तो बताइए डी, ओके ऑथर, और सोचिए क्या आंसर बन सकता है इसका। बटर का रिलेशन जो मिल्क से होगा, और बुक का रिलेशन किससे होगा? गाइस यहां पर देखिए प्रोडक्ट की बात चल रही है, एक क्लू दे दिया मैंने आपको, ऑथर, पेपर या ऑथर। क्या हो सकता है बताइए? तो यहां पर देखो किसी पर्सन की बात नहीं चल रही, सबसे पहली बात तो यही है कि मिल्क एक प्रोडक्ट है, मिल्क से क्या बना आपका? बटर बना है। तो ऐसी अगर मैं बात करूं जो पेपर होता है, तो पेपर से क्या बनता आपका? बुक बनती है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? पेपर इज द आंसर, ठीक है। तो ऑथर तो एक पर्सन के केस में बात हो गई, इवनिंग 8:15 कर दीजिए ना प्लीज, 8:15 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, और बाकी देखो तो 5 मिनट तो वैसे ही सेटअप करने में लग जाते, तो 8:05 से ही क्लास स्टार्ट होती है, और 10 मिनट में स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूं आपका, तो लगभग वही 10 मिनट के बाद से क्लास आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है राजा। तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपको, आप अपने अकॉर्डिंग 8:15 पे प्रेजेंट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर एक दो क्वेश्चन अगर निकल भी जाता तो आप अलग से मेरे से पूछ लीजिए, जब मैं पीपीटी आपको भेजता हूं तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको कैसे आया, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला कि मिल्क से बनता क्या? बटर बनता। तो यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही, यहां पर किसकी बात हो रही है?
प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो मिल्क से क्या बना? बटर। तो पेपर से क्या बनता? आपका बुक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑथर आंसर यहां पर गलत नहीं है। ऑथर एक पर्सन की बात, ऑथर मतलब ऑथर के द्वारा किया गया काम, जबकि मिल्क कोई काम नहीं कर रहा है, मिल्क इज अ प्रोडक्ट है। तो मिल्क से क्या बनता? बटर बनता है। ऐसे पेपर से क्या बनेगा? यहां पर आपकी बुक बन जाती है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अगला आपको आंसर प्रेजेंट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, बताइए सन न्यूक्लियर। सन न्यूक्लियर तो एक्सटेंडेड का मतलब यहां पर बताइए इसमें से कौन सा चीज हम रख सकते हैं? सन न्यूक्लियर देन डैश एक्सटेंडेड, सोचिए क्या आंसर बन सकता है इसका। एक्सटेंडेड मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अलग है ना। एक्सटेंडेड मतलब एक फैला हुआ केस है ना, एक्सटेंड कर दिया उस चीज को, उससे रिलेटेड आपका ये बताइए। सन मतलब न्यूक्लियर है ना, तो बताइए यहां पर एक्सटेंडेड का रिलेशन किससे हो सकता है? जल्दी जल्दी बताते रहिए गाइस, और सेशन को शेयर भी करते रहिए बीच बीच में। बताओ राजा क्या आंसर आएगा इसका? शिवाजी जी ऑथर पिछले क्वेश्चन का, मदर या फादर? ओके ठीक है, आपने ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ा गाइस, और ब्लड रिलेशन के अंदर आपने एक पढ़ा होगा जेनरेशन गैप है ना, क्या जेनरेशन गैप। तो ये जो क्वेश्चन आपका सन की बात हो रही है, सन है ना बेटा है ना, तो सन के केस में बात करें तो सन है अगर, तो वो क्या चीज है? न्यूक्लियर से रिलेट कर रहा है। न्यूक्लियर मतलब क्या होता है आप बताओ? बड़ा कंफ्यूजन है ना किसमें? ब्लड रिलेशन में। टेंशन ना लो, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो कर देंगे। देखिए यहां पर जो केस कह रहा है कि जो सन है, तो सन के रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो उसी जनरेशन का पर्सन कौन है इन ऑप्शंस में से बताइए? और सन क्या है? एक बेसिकली बोला जाए तो आपका एक फीमेल मेंबर है ना, क्या है? मेल मेंबर है आपका सन, तो मेल मेंबर है, तो इसमें से देखना पड़ेगा मेल मेंबर भी कौन सा है। तो एक चीज ध्यान दो, डॉटर हो गया, मदर हो गया और फादर हो गया, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपके सेम केस में प्रेजेंट हो रही हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी मतलब मम्मी, मेरे पापा है ना, और बोला जाए कि अगर मान के चलो मैं अगर पिता बन चुका हूं तो मेरी बेटी, तो उस केस में अगर बात करूं सब मेरे से रिलेटेड है, बट ऐसा यहां पर कौन है जो एक्सटेंडेड है, अलग से रिलेशन में जा रहा है, दैट मींस वो मेरे से रिलेटेड नहीं होगा, वो कजन के केस में आ जाता है। और कजन मतलब क्या होता है? कजन के अलग अलग कई सारे केस हो सकते हैं। कजन में आपका ब्रदर भी आ सकता है, कजन में आपका सिस्टर भी आ सकता है। तो कजन क्या होता है? मेरे भाई का बेटा या बेटी है ना, तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो वो वाली जो बातें बन जाती हैं वो आप समझ सकते हो। क्लियर है? तो बिल्कुल मैं बता सकते हैं यहां पर कंसेप्ट क्या है। कजन क्या होता है? जैसे मेरा भाई है कोई, तो मेरा कोई भाई है, तो मेरा भाई के केस में क्या बना? कौन सा भाई? जैसे चाचा का बेटा, तो चाचा का बेटा जो बनेगा वो कौन बनेगा? मेरा कजन बन जाएगा है ना। चाचा की बेटी, ताऊ की बेटी, तो ये सब क्या बन जाते हैं? आपके कजन के केस में आपके प्रेजेंट हो जाते हैं। तो कजन क्या था? वो एक्सटेंडेड है, फैल गया। और जो आपका, मैं अगर अपने पर्सनल रिलेशन में बात करता हूं तो मेरा भाई हो सकता है ना, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ मेरे से रिलेटेड है। बट जो कजन की अगर बात करें तो वो मेरे से नहीं, वो चाचा का बेटा या चाचा की बेटी को, जिस तरीके से आपका चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इस चक्कर में आंसर क्या प्रेजेंट होगा आपका? कजन इज द आंसर गाइस। समझ लीजिए, आपको इन क्वेश्चन का बेसिकली रीजन आपको पता होना चाहिए। तो गलत क्यों? अच्छा ये और बताऊं, ये ऐसे क्वेश्चन पता है गलत होते क्यों हैं? गलत सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हम लोग जब इतना सोचना होता है तो इतना बड़ा सोचना चालू कर देते हैं, और जब इतना सा सोचना होता है तो इतना छोटा सोचते हैं। तो उसी क्वेश्चन के लेवल का अपने को सोचना पड़ता है। यहां पर न्यूक्लियर एक्सटेंडेड का मतलब क्या है? न्यूक्लियर जैसे क्या होता है कि सपोज दैट के अलग हो गए हम लोग, अलग हो गए, क्या हो गए? अलग परिवार ले लिया, तो अलग जाएंगे तो हम लोग कौन कौन जाएंगे? क्या अलग जाने के सेंस में हम लोग क्या अलग अलग चले जाते हैं? नहीं। क्या हम अपने भाई को साथ में लेके जाएंगे? नहीं। तो वो एक अलग केस बन जाता है कि जैसे किसी की शादी हो गई है, तो वो एक अलग अलग सिनेरियोज बन जाते हैं। तो यहां पर आप समझिए क्वेश्चन किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सन, तो सन का जो रिलेशन की मैं जस्ट अपनी बात करूं तो मेरे पापा, मेरी मम्मी है ना, और मेरी बेटी, कुछ इस तरीके से। बट जो कजन की बात है वो मेरे के सेंस में नहीं आएगा। कजन किसके सेंस में आएगा? एक्सटेंडेड मतलब मेरे चाचा जी होंगे, उनके कोई कोई बेटा या बेटी,
वो कजन के सेंस में, मेरे ताऊ जी होंगे उनके बेटा या बेटी उनके सेंस में, देन वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट के अंदर चीजें प्रेजेंट हो गई। इस वजह से ये रीजन के साथ में इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ये कजन आंसर आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको चीजें परफेक्टली करनी है गाइस। तो इसीलिए मैं आपके देखो आज जो क्वेश्चन लेके आया थोड़े अटपटे से क्वेश्चन लेके आया हूं, बिल्कुल प्लेन और सिंपल क्वेश्चन नहीं है गाइस, आपको लॉजिक चीजों का समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चले गाइस हम लोग। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वगैरह जो होते हैं वो आपके, अब देखो एक तरीके से यहां पर मैंने आर्ग्यू किया आपसे, है ना, तो ये चीजें सब आपके आगे चल के होंगी आपकी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आपका सी प्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या हुआ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सरल है, आराम से बता सकते हैं गाइस, और गाइस सेशन को शेयर भी करते रहिए आप लोग। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही कह रहा है, ऑर्नामेंट्स गोल्ड नीडल डैश। बिल्कुल राज, पुलिस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस जितने भी होते हैं, यूपीएससी एसआई के एग्जाम जितने भी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आपके 100% वहां प्रेजेंट होते हैं गाइस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो वहां पर आपका क्या आता है, वहां पर जीएस आता है कि नहीं आता, जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल स्टडीज आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ आता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी के भी तो क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाते हैं कि उसमें बोलते हैं कि भाई ये वाला राजा इस वाले सल्तनत से बिलोंग करता है, तो ये वाला राजा किससे बिलोंग करता है, वो भी तो चीज आप प्रेजेंट हो जाएगी। तो जब जीएस आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो उससे ही क्वेश्चन आपके रिलेटेड यहां पर प्रेजेंट होते जाएंगे। तो प्रिक, ओके, देखिए यहां पर बात हो रही है कि ऑर्नामेंट जो होते हैं, वो ऑर्नामेंट क्या होते हैं, आभूषण बोलते हैं उनको, वो गोल्ड के बनते हैं, है ना, तो ऐसे नीडल किसकी बनती है, सुई किसकी बनती है, तो सुई आपकी स्टील की बनती है अगर यहां पर देखें तो, तो ये वाला केस क्या बन जाता आपका आंसर, स्टील बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा प्री और मेंस दोनों लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ प्रेजेंट होगा, तो आंसर परफेक्ट है शिवाय जी और सुरेंद्र जी, आपका आंसर ठीक है, स्टील इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अच्छा सूजा चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन देखिए, आंसर आपका स्टील आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते एक बार, देखिए ये तो आप बता सकते हो, इसको गलत मत बता देना, इसको तो बता सकते हो, क्रिकेट का रिलेशन जो बैट से होता है तो हॉकी का रिलेशन किससे हो रहा है। बताइए जल्दी से शेयर करते रहिए आप, क्या आंसर आ जाएगा। क्रिकेट का जो रिलेशन बैट से होता है तो हॉकी का रिलेशन किससे होना चाहिए। बॉल से होना चाहिए, ओके। तो अगर सचिन जी, अगर बॉल आंसर अगर होता तो एक बात बताओ कि क्रिकेट के अंदर भी तो बॉल प्रेजेंट हो सकता था, यहां पर बैट क्यों लिखा हुआ है फिर, स्टिक। हाँ अब सही है, आंसर इसका स्टिक प्रेजेंट होगा, सही है बिल्कुल सही। तो आंसर क्या बनेगा, स्टिक। तो हॉकी जो खेली जाती है वो आपके वो एक स्टिक होती है उससे खेलते हैं, और क्रिकेट आपके बैट से, तो बॉल तो के दोनों के केस में होता तो वो तो आपका अलग अलग केस बन जा रहा है, तो इस केस में आंसर क्या बताएंगे आपका, यह स्टिक के केस में आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मीजरली का मतलब आपका चीप दे रखा है, तो होमोजीनियस का मतलब यहां पर किससे होगा। हाँ, स्टिक आंसर सही है, बॉल आंसर गलत हो जाएगा, स्टिक ठीक है आंसर। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन का बताइए आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन का, मीजरली चीप और होमोजेनियस का रिलेशन किससे होना चाहिए। मीजरली का मतलब होता है कि कंजूसी से रिलेटेड आपका। थैंक यू राजा कुमार, बट आप शेयर नहीं करते हो, शेयर करें सब लोग एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बुलाएं उनको, क्या आंसर आ जाएगा।
सोचिए क्या आंसर बन सकता है इसका, कंफ्यूज है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें अजीब अजीब से शब्द दे रखे हैं, तो क्या होना चाहिए? सभी लोग एक बार चेक करें आंसर क्या प्रेजेंट हो जाएगा। अलाइक, देखिए यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कंजूसी से रिलेटेड हो गया, तो आपका चीप पता सस्ता, एक जस्ट एक एग्जांपल बोले तो कंजूस व्यक्ति सस्ता सामान परचेज कर रहा है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इसका जो हिंदी टर्म है इसको बोलते हैं सजातीय। क्या बोलते हैं? सजातीय, सजातीय मतलब एक जैसी जाति वाले, एक जैसी जाति वाले। तो ये कहीं ना कहीं आपस में जब रिलेट हो रहे हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो देखो अनकाइंड का मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट ही आपका है ना। तो अलाइक जो शब्द होता है, अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। तो कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर होमोजीनियस मतलब सजातीय, मतलब एक जाति वाले होते हैं, तो अलाइक का मतलब आपका एक जैसा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? अलाइक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल अनकाइंड तो नहीं होना चाहिए, मतलब अनकाइंड का मतलब बोल सकते हैं, काइंड मतलब एक दया के केस में बोल सकते हैं, जो दयालु नहीं है अगर उस केस में, तो दया का कोई रिलेशन नहीं। यहां पर आपका कंसेप्ट आ रहा है कि लगभग एक जैसा, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप की प्रॉपर्टीज रखने वाली जो चीजें होती हैं आपकी, तो उनको होमोजीनियस बोल देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वही अलाइक का मतलब भी क्या होता है, एक जैसा, उसी से रिलेटेड आपका। तो यहां पर देखें खर्चे की बात चलिए तो दोनों केसों में खर्चा कम हो रहा है ना, और इस वाले केस पर बात करेंगे तो जातियों की बात चल रही है, आपकी प्रॉपर्टीज की बात चलिए, तो दोनों कंटेन कर रहे हैं एक जैसी प्रॉपर्टीज। इस चक्कर में होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं सजातीय, और अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, तो दोनों आपस में रिलेटेड हो पा रहे हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपने 14वां क्वेश्चन भी परफॉर्म कर लिया गाइस, तो आंसर आपका क्या बन जा रहा है? सी इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। और जब मैं शाम को इसकी पीडीएफ भेजूंगा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके अपडेट करके भेजूंगा मैं आपको। और एक और क्वेश्चन गाइस हम लोग करेंगे, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। लॉइन मतलब डियर और मैंगूज डैश, क्या होना चाहिए? बताएं गाइस इसका आंसर क्या होगा। मंगूस जानते हो, मंगूस क्या होता है? मंगूस यानी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कह रहा है कि लॉइन का जो रिलेशन डियर से होता है, तो मंगूस का रिलेशन इनमें से किससे होना चाहिए? स्नेक से। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए बेसिकली जो मंगूज होता है इसको क्या बोलते हैं, नेवला बोलते हैं। आपने जैसे गांव में बोलते हैं तो उसको नोरा करके भी बोलते हैं आपका, है ना। तो यहाँ पर नेवला जो इसका सही शब्द है आपका नेवला, तो नेवला की दुश्मनी किससे होती है आपकी? तो आपकी स्नेक से ही होती है, तो इसके लिए ये दुश्मन बन गया, और डियर के लिए आपका लॉइन दुश्मन है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा केस है आपका। अगर वहां पर देखा जाए तो रिलेशन आप परफेक्टली बता सकते हो, तो स्नेक इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आया था आज, तो इन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। और ये कोई गाइस जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे वही एग्जाम में आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, आपका फॉर्मेट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके चेंज हो सकते हैं, चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो उनके लिए आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिससे आपको इस सेक्शन के अंदर और जीएस के सेक्शन के अंदर दोनों में आपको हेल्प मिलने वाली गाइस। ठीक है गाइस, तो जरूर आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मेरी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करते रहिए गाइस। तो एक बार मैं शेड्यूल जल्दी से बता दे रहा हूं, ठीक 12 बजे मेरी क्लास होती है एसएससी रीजनिंग की, और शाम को 8 बजे एसएससी और रेलवे दोनों की क्लास होती है रीजनिंग की। तो 2 टाइम स्लॉट्स हैं, दोनों टाइम स्लॉट को गाइस जरूर अटेंड करिए गाइस, और आपको श्योर एंड श्योर 100% सिलेक्शन दिलाएंगे आपको। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग जरूर जुड़े रहिए आप लोग। हाँ, पीडीएफ में भेजूंगा अपने जो टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग एंड कंप्यूटर बाय योगेश सर, वहां पर मैं भेजूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का नाम रीजनिंग एंड कंप्यूटर बाय योगेश सर। तो इस चीज को ज्वाइन करें, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, देन वहां से आप उस चीज का प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो तब तक प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहिए गाइज। थैंक यू गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज।